नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज का मुद्दा। गुजरात के कच्छ में भी इतना पानी बरसा कि वहां कई इलाकों में सड़कों का नामोनिशान मिट गया। हालात ये हो गए कि सैलाब में बही सड़क को पार करने के लिए लोगों को खुदाई करने वाली मशीन का सहारा लेना पड़ा। मानसून से पहले बिपरजॉय तूफान ने भी वहां जमकर तबाही मचाई थी और अब मानसून के दस्तक देने के बाद वहां आसमान से मानो आफत बरस रही है। लगातार हो रही भारी बारिश ने वहां हाहाकार मचा दिया। सैलाब की वजह से कच्छ के कई इलाकों में सड़कों का नामोनिशान मिट गया। कच्छ के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई उसमें कुछ लोग खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से सड़क पार करते दिखे, क्योंकि बाढ़ की वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट गया था। इसी वजह से सड़क को पार करने के लिए लोगों ने खुदाई करने वाली मशीन का सहारा लिया। पहले 3 लोग मशीन के अगले हिस्से पर सवार हुए जिन्हें सड़क के दूसरी तरफ उतार दिया गया। इसी तरह कुछ और लोग भी उस मशीन की मदद से सड़क पार करते नजर आए। मध्य प्रदेश के साथ ही गुजरात के अहमदाबाद शहर के कई इलाके भी बारिश के पानी में डूब गए। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के निचले इलाके तालाब बन गए। आसमान से बरसती आफत ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, क्योंकि जहां तक नजर जा रही थी वहां तक पानी ही पानी नजर आया। नरोडा और सरदार नगर इलाके में तो बारिश के बाद सड़क पर इतना पानी भर गया कि लगा वहां कोई नदी बह रही हो। बारिश के बाद अहमदाबाद में शाहीबाग, वाडज, आश्रम रोड, नवरंगपुरा, गोटा, नारनपुरा, अंबावाड़ी, एसडी हाईवे और पालड़ी में सड़कों पर पानी भर गया, जबकि मणिनगर इलाके में बारिश की वजह से एक मकान के बाहर बनी सीढ़ियों का हिस्सा गिर गया, जिसे कुछ लोग ऊपरी मंजिल पर फंस गए जिन्हें दमकल विभाग की टीम ने नीचे उतारा। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी और भारी बारिश की वजह से गुजरात के सूरत शहर में भी हाहाकार मच गया। वहां लगातार कई घंटों तक जोरदार बारिश हुई जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और इसी बारिश में एक मोटरसाइकिल सवार फंस गया, क्योंकि वो जिस रास्ते से गुजर रहा था वहां कई फीट तक पानी भर गया। उसने कुछ दूर तक तो अपनी मोटरसाइकिल चलाई, लेकिन जब वो पानी में फंसकर रुक गई तो मजबूरी में उसे अपनी मोटरसाइकिल को धक्का देना पड़ा। इसी तरह सूरत के एक दूसरे इलाके में भारी बारिश की वजह से इतना पानी भर गया कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के पहिए उसमें डूब गए। लगातार हो रही बारिश से सूरत के नजदीक मौजूद खंबात की खाड़ी में जलस्तर बढ़ने से मुसीबत और बढ़ गई, क्योंकि इसके पानी ने आसपास के कई इलाकों को पूरी तरह डुबो दिया। फिर तो चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात बन गए। एक जगह एक कार पानी में आधी डूब गई। उस इलाके में लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी चलाई। सभी मकान भी बारिश के पानी में घिर गए। कुछ ऐसा ही हाल गुजरात के वडोदरा का भी हो गया। वहां लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। कई घंटों तक पानी बरसने से वहां के हालात पूरी तरह बिगड़ गए, क्योंकि कुछ घंटों की बारिश से वडोदरा के कई इलाकों में पानी भर गया जिससे वहां के हालात बिगड़ गए। मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। शहर के निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया। सड़कें लबालब भरी दिखाई दी जिससे वहां जैम जैसे हालात बन गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़क पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दी जिससे लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। हालांकि कुछ बच्चे सड़क पर भरे पानी में मस्ती करते दिखाई दिए। देश के शिवपुरी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मूसलाधार बारिश की वजह से नदी से निकलकर एक मगरमच्छ सड़क पर आ गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। उसे देखने के लिए कुछ लोग सड़क किनारे बने नाले के पास आ गए, जबकि कुछ लोग उस मगरमच्छ को पकड़ने के लिए रस्सी और लाठी लेकर पहुंच गए। उन लोगों ने जैसे ही उसके मुंह को रस्सी से बांधने की कोशिश की तो उसने उन लोगों पर हमला कर दिया। हालांकि किसी तरह उस मगरमच्छ के मुंह को लाठी से दबाकर रस्सी से बांध दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उस मगरमच्छ को वन विभाग की टीम को सौंप दिया। बाद में उस मगरमच्छ को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। इससे पहले भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया था, जिससे वो मगरमच्छ नदी से निकलकर रिहायशी इलाकों में आ गया। छत्तीसगढ़ का भी हाल बुरा है। वहां के दुर्ग जिले में बन रहा एक पुल चंद सेकंड के अंदर वहां बहने वाली नदी में समा गया। पिछले कई दिनों से जिले में हो रही भारी बारिश की वजह से वहां की नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में तो नदियों का पानी तटबंधों को तोड़कर गांवों और शहरों में घुस गया, जिससे हालात बिगड़ गए। लेकिन उफनती नदी में उस पुल के बहने की इस घटना ने इलाके में रहने वाले लोगों को खौफ से भर दिया। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें दो पिलर के बीच मौजूद उस पुल का एक बड़ा ढांचा वहां बहने वाली शिवनाथ नदी में गिरता दिखा, जिसके बाद नदी की उफनती लहरें पुल के ढांचे को अपने साथ बहा ले गई। इसी घटना की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई जिनमें वो पुल भरभराकर नदी में गिरता नजर आया। जानकारी के मुताबिक ये पुल दुर्ग जिले में मौजूद अहिवारा और साजा विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन वो नदी में आए सैलाब की भेंट चढ़ गया, जिसकी वजह से बच्चों को पानी के बीच से गुजरकर स्कूल जाना पड़ा और स्कूल पहुंचकर भी जल भराव बच्चों के लिए मुसीबत का सबब बन गया, क्योंकि स्कूल के बाहर और अंदर हर जगह बारिश के पानी ने कब्जा जमा लिया। स्कूल की जो तस्वीर सामने आई उसमें हर कमरे में लबालब पानी भरा दिखा। स्कूल के कमरे तालाब में तब्दील हो गए। वहां रखे कुर्सी मेज का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। बच्चों को स्कूल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बारिश के पानी से होकर गुजरना पड़ा। स्कूल में बच्चे थाली की मदद से कमरों से पानी बाहर निकालते दिखे। और बारिश का ऐसा ही सितम छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। वहां के दमोह में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। कई घंटों तक पानी बरसने से वहां के हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए।
क्योंकि भारी बारिश की वजह से चारों तरफ पानी भर गया, जिससे लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। कुछ जगहों पर पानी का बहाव इतना तेज दिखा कि लोगों ने उस रास्ते से निकलने का जोखिम ही नहीं उठाया। इस बीच एक गाय उफनती नदी को पार करती नजर आई। पानी के तेज बहाव के बावजूद उसने किसी तरह नदी को पार किया, लेकिन भारी बारिश के बाद पानी भरने से सड़कों पर चलने वालों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। इससे गाड़ियों की रफ्तार पर भी असर पड़ा, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे निकालना पड़ा। दमोह के निचले इलाके की हालत तो और ज्यादा खराब हो गई। वहां कई फीट तक पानी भर गया, जिसमें दुकान और मकान डूब गए। इस आफत की वजह से दमोह के 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। और इसी तरह मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी भीषण बारिश के बाद बाढ़ का कहर दिखा। वहां नर्मदा नगर कॉलोनी के एक मकान में बाढ़ का पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाला एक परिवार फंस गया, जिन्हें निकालने के लिए जिला प्रशासन और SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लेकिन पानी की तेज धार की वजह से रेस्क्यू टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बाढ़ के पानी का बहाव इतना तेज था कि लगा कॉलोनी के अंदर तेज रफ्तार से कोई नदी बह रही हो। बाढ़ में फंसे परिवार ने लोगों से मदद की गुहार लगाई। बाद में सूचना मिलने पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने करीब 12 घंटे बाद सभी को सुरक्षित बचा लिया। तीनों जो लोग वहां फंसे हुए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि बीते एक रोज में नरसिंहपुर जिले में करीब 10 इंच बारिश हो गई, जिसकी वजह से हालात बिगड़ गए। खबर है कि अगले 2 दिनों में मानसून देश के कई राज्यों में तबाही की वजह बन सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान से सबसे ज्यादा आफत मध्य प्रदेश पर बरसने की आशंका है, जबकि पहले ही मध्य प्रदेश बारिश से बेहाल हो चुका है। मध्य प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं और बांधों के गेट खोले जाने लगे हैं। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में मानसून अपने पूरे शबाब पर होगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेहद भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण गुजरात और कोंकण और गोवा में भी बादल मुसीबत बरसा सकते हैं। आने वाले 2-3 दिनों में इवन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की उम्मीद रहे। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिन में पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी कुदरत आफत बरसा सकती है, जबकि सिक्किम और असम पहले से ही बाढ़ से बेहाल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के दमोह से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करते नजर आए। वहां पिछले 24 घंटों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से नालों और नदियों का जलस्तर बढ़ गया और उसका पानी 2 गांवों को जोड़ने वाली पुलिया के ऊपर से बहने लगा। लेकिन इसके बाद भी लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। पुलिया के ऊपर से बहते पानी को पार करने के लिए लोगों ने जान तक जोखिम में डाल दी। वहां से जो तस्वीर सामने आई, उसमें एक आदमी मोटरसाइकिल पर बैठकर पुलिया पार करता दिखा। तभी उसकी मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी की तेज धार में बहने लगा। हालांकि उसने किसी तरह मोटरसाइकिल को संभाला। गनीमत ये रही कि वो सुरक्षित पुलिया से गुजर गया। यही नहीं, कई और लोग भी जान जोखिम में डालकर पुलिया के ऊपर बह रहे पानी को पार करते दिखाई दिए। और इसी तरह मध्य प्रदेश के सिवनी में भी भारी बारिश ने लोगों के लिए खतरा खड़ा कर दिया। वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां इतना पानी जमा हो गया कि एक इलाके में एक शख्स पानी के सैलाब में बह गया, क्योंकि सामने आई तस्वीरों में भयानक बारिश के बाद नदी और जमीन का फर्क ही गायब दिखा। चप्पे चप्पे पर सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा नजर आया। पानी भी थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि इतना कि अगर कोई थोड़ा सा लड़खड़ा जाए तो पानी में ही बह जाए। सिर्फ खुले इलाकों में ही नहीं, गली मोहल्लों के इर्द गिर्द भी पानी ने अपना डेरा डाल लिया। हाल ये हो गया कि गाड़ियों के टायर पानी में पूरी तरह डूबे नजर आए। मतलब पानी ने गाड़ियों को किसी काम का नहीं छोड़ा, उनका होना ना होना बराबर हो गया। बारिश की वजह से सिवनी के एक दूसरे इलाके में भी 5 चरवाहे नदी के बीच एक टापू पर फंस गए थे, जिन्हें बचा लिया। सिर्फ सिवनी ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां भालाघाट में इतनी भीषण बारिश हुई कि 2 गांवों को आपस में जोड़ने वाला एक पुल ही बह गया। बताया गया कि पिछले 10 महीने से गांव वाले उस पुल की मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां सिर्फ एक अस्थायी पुल बना दिया गया, जो तेज बारिश की वजह से मिनटों में बह गया, जिसके बाद उस पुल के दोनों छोर पर मौजूद कई लोग वहीं अटक गए। गांव वालों ने आशंका जताई कि उस इलाके में ऐसे कई हादसे और हो सकते हैं। कुछ दिन और वेट करिए, अभी रेलवे का ब्रिज बाकी। गांव वालों का आरोप है कि पिछले 10 महीने से वो लगातार उस पुल की मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद मानसून के आते ही वो पुल सैलाब में समा गया। बताया गया कि इस पुल के बहने का असर आसपास के 20 गांवों पर पड़ा। उधर महाराष्ट्र के ठाणे में भी बेलगाम बारिश ने लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। किसी के दफ्तर पहुंचने में पसीने छूट गए तो बच्चों का वक्त पर स्कूल पर जाना खतरों का खेल बन गया, क्योंकि सामने आई तस्वीरों में पानी सड़कों पर कुंडली मारे नजर आया। घुटनों तक पानी, बस, स्कूटर, ऑटो। बरसात ने लगभग हर किसी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। दुकानों में भी इतना पानी भर गया कि उसे निकालने के लिए पाइप लगाना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी बरसात नहीं रुकी। बादलों ने इतना पानी बरसाया कि बरसों से खड़ा बरगद का एक पेड़ जड़ से उखड़ गया और पास में खड़ी कार और ऑटो के ऊपर जा गिरा। पेड़ के गिरने से पूरा रास्ता ही बंद हो गया। इस बीच मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मुंबई के पास ठाणे जिले के शाहपुर इलाके में तो नदी में बाढ़ आने से हाहाकार मच गया, क्योंकि आसमान से हो रही मूसलाधार बारिश से वहां बहने वाली एक नदी में उफान आ गया, जिसके बाद उस नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। कुछ इलाकों में तो सड़कें और कच्चे रास्ते नदी की तेज धार में बह गए, जिससे कई गांव और शहरों से कट गए। ठाणे के शाहपुर इलाके से एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक बुजुर्ग वहां बहने वाली एक नदी में फंसे दिखाई दिए।
गरिमत यह रही कि जहां वो फंसे थे वहां नदी का बहाव कम था। बाद में वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में नदी पर बना एक पुल जर्जर हालत में दिखा। देखकर ऐसा लगा जैसे वो अगले ही पल नदी में समा जाएगा। इसी वजह से पुल से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। वहीं मुंबई के भाईगला इलाके में भारी बारिश की वजह से एक भारी भरकम पेड़ गिर गया, जिसके नीचे दबने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि एक आदमी बुरी तरह घायल हो गया। मानसून के दस्तक देने के बाद से ही मुंबई में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी भरने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। मुंबई के निचले इलाकों में तो सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। इसी बीच शहर के भाईगला इलाके में देर रात एक भारी भरकम पेड़ वहां मौजूद एक झोपड़ी पर गिर गया, जिससे 2 लोग उसकी चपेट में आ गए। उस पेड़ के नीचे दबने से झोपड़ी में रहने वाले रहमान खान नाम के आदमी की मौत हो गई, जबकि एक दूसरा आदमी बुरी तरह घायल हो गया, जिसे रेस्क्यू कर फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मॉनसून आने के बाद सिर्फ मुंबई के भाईगला ही नहीं बल्कि मलाड, गोरेगांव, घाटकोपर, विलेपार्ले और कांदिवली समेत कई इलाकों में हादसे हुए, जिनमें 10 लोगों की मौत हो गई। उधर महाराष्ट्र के पालघर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश के बीच कुछ लड़के दहानू नासिक हाईवे पर बने एक पुल से नदी में कूदकर खतरनाक स्टंट करते दिखाई दिए। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें 2 लड़के दहानू नासिक हाईवे पर बने पुल से नदी में छलांग लगाकर स्टंट करते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें भारी बारिश के बीच पहले एक लड़का उस पुल से नदी में कूदता दिखाई दिया। कुछ सेकंड बाद दूसरे लड़के ने भी उस नदी में छलांग लगा दी। इसके बाद दोनों लड़के तैरकर नदी के बीचों बीच बने एक टीले के पास जाते दिखे। हालांकि इस दौरान उस पुल पर कई लोग मौजूद थे जो उन लड़कों को रोकने के बजाय खड़े होकर उनकी स्टंटबाजी देखते रहे। और कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम का भी हुआ। वहां तो महज कुछ घंटों की बारिश की वजह से कई सड़कें पानी से लबालब नजर आईं, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। गुरुग्राम से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई सड़कों पर सैलाब नजर आया। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, लेकिन इसके बावजूद लोग वहां से गुजरने को मजबूर दिखे। इस दौरान कई गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे नजर आए। सड़कों पर पानी भरने की वजह से दफ्तर आने जाने वाले लोगों को भी काफी दिक्कत हुई। परेशानी हमेशा ही रहती है, पानी खत्म ही नहीं होता यहाँ। गुरुग्राम में कुछ दिन पहले हुई बारिश में तो इससे भी बुरे हालात नजर आए थे। कई सड़कें बारिश के पानी में डूब गई थी और कई इलाकों में पानी लोगों की कमर तक भर गया था। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ हाईवे पर गिर गया, जिससे पूरा हाईवे बंद हो गया। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से राज्य के अलग अलग इलाकों में पहाड़ खिसकने की कई घटनाएं हुई, लेकिन चमोली जिले में पहाड़ के हाईवे पर गिरने की इन तस्वीरों को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ हाईवे पर आ गिरा। यही नहीं, पहाड़ से आने वाली मिट्टी और चट्टाने सड़क को तोड़ती हुई नीचे बह रही नदी में गिर गई। इस दौरान वहां धूल का गुबार उठता नजर आया। पहाड़ खिसकने की इस घटना को जिस किसी ने भी देखा वो सहम गया, जो जहां था वहीं ठहर गया, क्योंकि उस वक्त वहां से गुजरने का मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना था। पहाड़ टूटने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह बंद हो गया, जिससे सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में सैलानी फंस गए।